Hello, good morning, India. Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. This is Muskan presenting the Hindu editorial analysis of 3rd November 2017. आइए देखते हैं आज की कोट that is given by Mahatma Gandhi. He said, "Be the change you want to see in the world." आप क्या समझते हो आज तक इस कोट से? यही जो चीज़ें आप दुनिया में बदलते देखना चाहते हो वो पहले खुद में बदलिए. नो मैन, चेंज योर परसेप्शन. बाहर की दुनिया को क्यों चेंज करना है? क्या इसीलिए इतनी अनमोल लाइफ हमें मिली है? नॉट एट ऑल. वी आर हेयर फॉर अ स्पेशल पर्पज. एक स्पेशल लाइफ है हमारे पास. देखिए, बोलते हैं 4.6, कहते हैं कितने लाखों साल पहले धरती पर जीवन ही नहीं था, पता नहीं कितने लाखों साल बाद धरती पर लाइफ स्टार्ट हुई. तो देखो कितना वेट किया है हमने इस प्रीशियस लाइफ के लिए, कितना वेट किया है हमने उस मिट्टी से ये एक चलती फिरती बॉडी बनने के लिए, और ना जाने आगे कितनी सदियों तक वेट करना होगा. सो हाउ प्रीशियस वी आर. सो देखे, बाहर की दुनिया को चेंज करने नहीं आए हैं हम, बिकॉज बाहर की दुनिया बहुत ही इमेजनरी है. आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए, वो चेंज हो जाएगी. आज आप कोचिंग के लिए दूसरी जगह जाओ या गए भी होंगे, आप देखोगे आपका रहन सहन, आपके दोस्त, आपका देखने का नज़रिया वहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. सो किस दुनिया को बदलने की बात कर रहे हो दोस्तों? वो दुनिया नहीं, देयर इज़ ए ट्रू वर्ल्ड विद इन अस. एक दुनिया है जो हमारे अंदर है, पूरी की पूरी दुनिया. क्योंकि आप बताइए, जो इंसान देख नहीं सकता है उसके लिए दुनिया मैटर ही क्या करती है? तो ये मत सोचो जो हम देख रहे हैं, जो चीज़ें विजिबल है, दैट इज़ द वर्ल्ड. नो, देयर इज़ अ वर्ल्ड विद इन अस. उसको बदलने की ज़रूरत है, और उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं? जो हम अच्छी चीज़ें चाहते हैं कि ये होना चाहिए, ये हमारी लाइफ में होना चाहिए, बस उसको एक्सेप्ट करते जाइए. यूनिवर्स आपके साथ साथ चलेगी, चीज़ें आपके साथ साथ चलेगी, और आपकी दुनिया अपने हिसाब से क्रिएट करिए. बिकॉज बी यूअर ऑन बॉस, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन, सर एंड मैम. सो जो भी चेंज है, छोटा है या बड़ा है, चाहे अपने अपनी दिनचर्या में चेंज लेके आना है, चाहे अपने अपने अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी मतलब जहाँ रहते हो वहाँ पर चाहते हो, तो वो चेंज अपने हिसाब से लाओ. ओके, गॉट इट. सो बी बोल्ड, बी स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव. हैव ए नाइस डे अहेड. आइए देखते हैं आज की वो कैब. देखिए, ये जो एडिटोरियल सेशन है आपका कंप्लीट ये क्या करेंगे, आइए देखते हैं वो कैब फॉर द डे. फर्स्ट है फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है हिंदी में भयानक, लाइक टैक्सिंग, डिफिकल्ट है कोई चीज़, हार्ड है, स्ट्रेनियस है, दैट इज़ फॉर्मिडेबल. फिर है सर्ज. सर्ज का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं लहर, इसका मतलब है सडन इंक्रीज होना. देखिए जैसे हिंदी में मतलब है, ऐसे इसका मीनिंग आएगा सिमिलर, सडन इंक्रीज होना, राइज करना या ग्रो करना, दैट इज़ सर्ज. फिर है सस्टेंड. सस्टेंड का मतलब होता है निरंतर, मतलब कंटिन्यूअस, अनइंटरप्रेटेड एंड नॉन स्टॉप. नेक्स्ट है रिट्रेटेड. रिट्रेट का मतलब है रिपीट, से अगेन, रिस्टेट, दोहराना किसी चीज़ को, आप रिट्रेट कर रहे हो, दैट मीन्स उसको दोहरा रहे हो. फिर है परसू. परसू का मतलब हिंदी में होता है पीछा करना. ओके, लाइक अंडरटेक, फॉलो एंड कैरी ऑन. फिर है पे ऑफ. पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना किसी चीज़ का, लाइक सक्सीड, बी अफेक्टिव एंड गेट रिजल्ट. फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आया है आज के एडिटोरियल से, इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है अ कंडीशन इन विच द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आर सच इट इज़ अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, कि वो अपने जो कर्ज है उनका भुगतान करने में असक्षम है, तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट. उसको बोलते हैं दिवालियापन, उसका निकलने वाला है. ओके, दिवाला निकलने वाला है. और जब उस दिवालेपन पर लीगल मोहर लग जाती है तो वो हो जाता है बैंक्रप्टसी, लीगल स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी. एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड बैंक्रप्ट इफ ए कोर्ट जजेस दैट द पार्टी इन्वॉल्व्ड कैन नो लॉन्गर मीट डेब्ट्स पेमेंट टू क्रिएटर. इट इज डिफाइंड एज द आउटकम ऑफ ए लीगल प्रोसीजर. फिर है स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक है कोई चीज़, मैंडेटरी है, नेसेसरी है या एसेंशियल है. समथिंग इज़ वेरी एसेंशियल टू यू, दैट इज स्टैट्यूटरी. फिर है स्पर. स्पर का मतलब होता है प्रेरणा, मोटिवेशन, स्टीमुलेट, एनकरेजमेंट. फिर है एग्लोमेरेशन. एग्लोमेरेशन का मतलब होता है लाइक कलेक्शन है, हिंदी में इसको ढेर बोलते हैं, कलेक्शन, असेंबलेज. ओके,
फिर है हिंटरलैंड. हिंटरलैंड का मतलब होता है रिमोट एरिया ऑफ ए कंट्री अवे फ्रॉम ए कोस्टल एरिया एंड द बैंक ऑफ ए मेजर रिवर. रिवर के आसपास जो एरिया होते हैं दैट इज हिंटरलैंड. आंतरिक इलाके जो होते हैं उसके दैट इज हिंटरलैंड. तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट एडिटोरियल. हम इसको डिस्कस करते हैं एज अ कॉम्प्रिहेंशन, ताकि इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पावर इम्प्रूव हो. तो आइए पहला ये जो आर्टिकल आया है ये आर्टिकल किस बारे में आया है. इंडिया की देखिए रैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सीधा 30 आंकड़े ऊपर चली गई है. पहले ये थी 130 पे इसकी पोजीशन थी, अब ये इस साल की जो रैंकिंग आई है वो 100 रैंकिंग आई है. देखिए कई लोग बोलेंगे कि ये किस लिए हुआ है, जीएसटी की वजह से हुआ है, ले हुआ है. देखिए कितना अच्छा वर्ड है, बाबूज एंड बेबीज, लाइक आईएएस ऑफिसर को बोला जाता है बाबूज, वाओ ग्रेट. सो यहाँ पर बोला गया कि क्या हुआ है ये जीएसटी, तो देखिए तब तक काउंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ये किस पर आई है, ये हमारी आई थी पिछला जो जून था 2016 का, उससे लेके अब तक का जो जून आया है 2017 का, तब तक की रिपोर्ट है. और जो हमारा जीएसटी आया है वो आया है 1 जुलाई को, तो जीएसटी तो उसमें काउंट नहीं हुआ. जीएसटी के जो इम्पैक्ट है वो हमें नेक्स्ट ईयर की रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे, क्या हमारी रैंकिंग रहती है. ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी तब तक, क्योंकि तब तक क्या ये हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएगा अच्छे से जीएसटी. तो मेनली फ्रेंड्स यहाँ पे बात देखने वाली है कि एकदम से किसी कंट्री ने ऐसे 30 रैंक एक साल में इम्प्रूव नहीं किया है. तो मेनली यहाँ पे रीजंस क्या है वो देखने की ज़रूरत है कि किन वजह से ये जो रैंक है इतना इम्प्रूव हो पाई है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो मेनली तो देखिए अगर मैं इसका क्रक्स बताऊं इस पूरे आर्टिकल का, तो मेनली आपके पास में कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है. लाइक जो टैक्स पेमेंट है, ठीक है, टैक्स पेमेंट काफ़ी अभी फ्लेक्सिबल हो गया है, टैक्स इवेजन काफ़ी कम हो गया है. इंसॉल्वेंसी जो लॉ आया है नया, इंसॉल्वेंसी का जो लॉ आया है उसकी वजह से भी काफ़ी ये है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हुआ है. क्योंकि कुछ लोग क्या थे, देखिए कंपनियाँ थी इंसॉल्वेंट रहती थी लेकिन उनका पता ही नहीं चलता था. ओके तो अभी नए रूल एंड रेगुलेशन बने तो वो क्या होगी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनी. और कुछ लोग अगर उनको हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए भी तैयार है. क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको काफ़ी ईज बनाया गया, उसको काफ़ी स्मूथ बनाया गया है. और जो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की बात की गई. लेकिन फ्रेंड्स अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दायरे से बाहर है. देखिए ये जो डाटा आया है, ये जो रिपोर्ट आती है ये किस पे आती है, दिल्ली एंड मुंबई. दिल्ली और मुंबई में जितने भी बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो यहाँ की कंपनी है या वो बाहर की कंपनी यहाँ आकर कर रही है, तो उनको कितनी सुविधा होती है, कितना अच्छे से पार्टनरशिप करते हैं, कोलेब्रेशन करके साथ चलते हैं, ये पूरी रिपोर्ट उसके बारे में है. इट मीन्स कि बाकी जो स्टेट है वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब फेडरलिज्म यहाँ पर है ही नहीं. तो मेनली यहां पे ये 2 मेट्रो सिटीज को यहां लिया गया है. तो इसका दूसरा अगर हम पक्ष देखते हैं तो बात वही है कि स्टेट में अभी वो डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा. स्टेट की इंडस्ट्री अभी भी कहीं ना कहीं नुकसान में जा रही है, ये आर्टिकल में बोला गया है. और जो अभी भी लूप होल्स हमारे सिस्टम में वो ये है कि जो ऑनलाइन सिंगल विंडो का ऑप्शन आपने रख दिया है, हर एक इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है. देखिए आप ये ऑप्शन देते हो कि आप क्या कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, कि खुद के पैरों पर खड़े हो सकते हो, लेकिन ऐसे लोग हैं करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गिव ए किक, कैसे चीज़ों को शुरू करना है. तो उनको असिस्ट करने के लिए भी तो होने चाहिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय. वो लोगों को बताएं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो गांव में जाके कैंपेन करें, रूरल एरिया में कैंपेन करें, शहरों में भी जाके कैंपेन करें, ताकि वो यूथ को अवेयर कर सके. तभी तो यूथ मोटिवेट होगा, उन्हें पता लगेगा और वो आगे बढ़. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जुडिशरी सिस्टम आजकल हमारा सबसे हाईलाइट में चल रहा है, हमारा जुडिशियल सिस्टम. जुडिशरी सिस्टम हमारा क्या है, काफ़ी यहाँ पे बड़ा लूप होल का काम कर रहा है. क्योंकि देखिए अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग कोर्ट में जाना पड़ता है. 3 लाख तक के जो केसेस होते हैं उसके लिए आपको लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा, और लोकल कोर्ट का सिस्टम कैसा है वी ऑल नो दैट. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो बाहर की MNCs हैं, बाहर की कंपनी है, वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाती हैं, तो इसीलिए वो अपने आप को पीछे खींचने लगते हैं. इसीलिए बोला गया कि जुडिशरी को भी केंद्र में रखने की जरूरत है यहाँ पर.
एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने की जरूरत है. व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? जहां पर सेंटर प्लस स्टेट विदाउट एनी फोर्स मिलकर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेशन के साथ उस फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी जरूरत है. ये नहीं कि सिर्फ सेंटर में ठीक है आपको इज ऑफ बिजनेस डूइंग देखने को मिल रहा है, बट बाकी स्टेट में डेवलपमेंट कहीं नहीं है. देर इज ए नीड ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सो एक बार इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं. इंडिया सर्ज इन द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द 130 पोजीशन लास्ट ईयर टू 100th कुड नॉट हैव कम एट ए बेटर टाइम फॉर द गवर्नमेंट. बताया कि 30 पोजीशन ये ऊपर जा चुका है, इससे अच्छा टाइम अभी गवर्नमेंट के लिए आ नहीं सकता है. सो फेसिंग सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म ऑफ लेट ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी, इट वॉज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग दैट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हेल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट टू डिस्कस द फाइंडिंग ऑफ द बैंक रिपोर्ट. कि देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम आई, ठीक है, क्रिटिसाइज किया जा रहा था गवर्नमेंट को, तो कोई अलग बात नहीं है कि अब अपनी वो अचीवमेंट्स दिखाएंगे. इसलिए अरुण जेटली जी ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस की इस रिपोर्ट के ऊपर कि देखिए हमारी ये अचीवमेंट. फ्रेंड्स, ये आर्टिकल ऐसे शेयर करने का एक ही मेरा मोटो है, प्लीज देखिए जो काफी सारे स्टूडेंट हैं उनको आज भी बहुत दिक्कत आती है, तो प्लीज एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को आप हेल्प करें पढ़ने में. इस तरीके से मैं चाहती हूँ आप लोगों को समझाएं, आप इतने अच्छी तरीके से इनको समझ लें कि आप दूसरों की हेल्प कर लें, बिकॉज दैट इज मोटो ऑफ आवर लाइफ. एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बढ़ेगा इंडिया, लड़ने से नहीं बढ़ेगा इंडिया. सो ही रिट्रीटेड द कमिटमेंट टू परसू मोर रिफॉर्म स्पेशली इन द एरियाज वेयर द इंडेक्स स्टिल रेट इंडिया पुअरली अमंग 190 कंट्रीज. उन्होंने बताया हम अपने कमिटमेंट्स को कि हमने देखे जब से ही हमारी गवर्नमेंट आने वाली थी कहां 190 कंट्री में पहले बहुत पुअर परफॉर्मर रहा है इंडिया, बट आज के टाइम में आप हमारी ग्रोथ को देखें. सो ये सारी बातें यहां पे ये बोली गई है. पिछले अगर 2014 की हम बात करें तो बैंक इंडेक्स भी देखें तो उसकी रैंक 142 रैंक पे था, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने एंटर किया उन्होंने बोला कि टॉप 50 तक हमें लेके आना है. बट बैंकिंग के सामने जो मेन प्रॉब्लम है वो है एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की. उसके जो लोन है, लोग लोन ले लेते हैं लेकिन पे बैक नहीं करते, उससे क्या बढ़ जाता है, एनपीए बढ़ जाता है. तो एनपीए बार बार अब गवर्नमेंट आपको पता है रिकैपिटलाइजेशन कर रही है, ठीक है, बूस्टअप करने के लिए आर्टिफिशियल मनी वहाँ पे जनरेट कर रही है, तो यहाँ पे नेचुरल मनी अपने आप से जनरेट नहीं कर पाए, तो इसीलिए हमारा बैंकिंग सेक्टर पीछे है. और खासकर अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर तो फैसिलिटीज़ में भी पीछे है, कस्टमर को इतना बॉदर कर देते हैं कि कस्टमर वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है. सो यहाँ पर स्पेसिफिक स्टेप टू कट रेड टेपिज्म, देखिए खासकर हमें ये देखने को मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंक में रेड टेपिज्म. ठीक है, आपकी फाइलें पड़ी, आपको लोन पास ऑन करवाना है, लेकिन वहाँ पर केस चलता जा रहा है, आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है. तो किस ज़माने में है हम और किस ज़माने की पिक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो ये बातें की गई है. कम हेयर, यहाँ देखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बात की थी अभी. नया जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन है प्रोसेस में, उसने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है. सिंप्लीफिकेशन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड कॉरपोरेट टैक्सेस एंड ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट आर अमंग द की चेंजेस दैट स्पर्ड अभी हमने मीनिंग्स देखे थे इंडिया लेटेस्ट रैंकिंग. इसीलिए ये जो नए लॉ आए हैं बैंक्रप्सी का और इंसॉल्वेंसी के जो रिजोल्यूशन नए आए हैं, उसकी वजह से प्रोसेस क्या हो गया, काफ़ी स्मूथ हो गया. अगर आप घाटे में चल रहे हो तो आप गवर्नमेंट की असिस्ट, गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हो, गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगी वहाँ पर. तो ये की चेंजेस काफ़ी अच्छे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट इंडिया इज़ नॉट द फोर्थ बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर माइनॉरिटी इन्वेस्टर, वेल अहेड ऑफ सेवरल डेवलपमेंट नेशंस. कि ये भी देखने की बात है, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर है उसमें अभी भी फोर्थ बेस्ट प्लेस में हम नहीं आते हैं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो. माइनॉरिटी इन्वेस्टर को यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत. एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ, जब इसराइल का विजिट किया था पीएम मोदी ने तो हमारे काफ़ी सारे वहाँ पर एग्रीमेंट हुए थे. एमएनसी वहाँ पर बहुत उत्सुक है कि यहाँ पे आए, लेकिन उन सब ने एक प्रॉब्लम जताई थी. क्या जताई थी कि देखिए हम लोग आप लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बट आपका जो डिस्प्यूट सॉल्यूशन
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ढीला ढाला है. उसमें हमें सालों लग जाते हैं अगर कोई डिस्प्यूट आता है. आपने इतने इतने वहाँ पर प्रोविजंस बना रखे हैं कि पहले 5 साल आपको लोकल कोर्ट में, नेशनल कोर्ट में रहना होगा, तब जाकर आप वर्ल्ड कोर्ट में जा सकते हो. तो इस तरीके के आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे तो हम कैसे बिजनेस करेंगे. तो इसीलिए तब आर्टिकल आया था कि चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है. सेकेंड, यहीं पर ये चीज़ें मैंने बताई कि देखिए मुंबई एंड दिल्ली को टारगेट किया जाता है यहाँ पर, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स हैं उनको अवॉइड किया गया है, जबकि हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ दिखनी चाहिए. सो ये पूरा आर्टिकल मैं आपको बिल्कुल अभी क्रक्स में बता चुकी हूँ. एक भी सिंगल लाइन ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी. सो और ये फ्रेंड्स आर्टिकल देखिए, हमारा सेशन चलता है बैक टू बैक, तो ये 2 नवंबर के आर्टिकल हैं. तो आप ये मत सोचिए कि कहाँ मिलेंगे. और कोई भी एडिटोरियल आप देखिए, अब ये रिपोर्ट आई है, अब इसमें पुराना होने वाला क्या है, अब नेक्स्ट एडिटोरियल आएगा आगे ट्यूबर क्लोसेस के ऊपर, हमने उसकी चीज़ों को एनालाइज करना है. तो इसमें एडिटोरियल कभी भी पुराने नहीं होते हैं. मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो एक एक वीक के एडिटोरियल एक साथ पढ़ते हैं. सो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. तो फर्स्ट देखिए रैंक ऑफ, आपके लिए क्वेश्चन है, नाउ इट्स योर टर्न. रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, अभी क्या रैंक है जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है हमारी. नेक्स्ट है हाउ बैंकिंग सेक्टर इम्प्रूव इट्स रैंक एट इंटरनेशनल रैंकिंग. हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है अभी भी क्या है, वो पीछे ही चल रहा है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है इंटरनेशनल रैंकिंग की जो बात की जाए. नेक्स्ट है व्हाट इज डीम्ड अप्रूवल. डीम्ड अप्रूवल क्या होता है. ओके लेट मी क्लियर फर्स्ट. ओके डीम्ड अप्रूवल फ्रेंड ये होता है कि आप क्या है, देखिए आपने अपना एक प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट को. ओके तो एक गवर्नमेंट के पास टाइम पीरियड होता है 15 डेज का, 1 वीक का. अगर उसके अंदर आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है तो क्या यहाँ पे बोला गया कि वो अप्रूवल डीम्ड अप्रूवल होना चाहिए. ये मान लेना चाहिए उस ग्राहक को भी कि ये अप्रूवल अब एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास भी तो कुछ पावर्स होनी चाहिए ना. गवर्नमेंट अगर रिप्लाई नहीं कर रही है तो इसमें हमारी क्या गलती है. इसकी बात हुई है कि अगर हम आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने अप्रूवल भेजा बट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा विद इन दैट लिमिट, सो डीम्ड अप्रूवल यहाँ पे करना चाहिए जैसा कि दूसरी कंट्रीज में होता है. सो मे बी नाउ इट्स क्लियर टू यू गाइज. नेक्स्ट है हमारा एग्लोमरेशन. एग्लोमरेशन का मतलब क्या है, हमने वर्ड्स मीनिंग में आज डिस्कस किया था. सो डू कॉमेंट बिलो द वीडियो. आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. ये हमारा ट्यूबर क्लोसिस से आया है. क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है ट्यूबर क्लोसिस का, दैट आर्टिकल इज ऑल अबाउट दैट. बट बिफोर दैट हम डिस्कस करेंगे ट्यूबर क्लोसिस है क्या, कैसे फैलता है. मेनली ये जर्म्स जनरेटेड बीमारी है, इसमें आपके लंग्स है वो हाईली इफेक्ट होते हैं. इसको शॉर्ट में ट्यूबर क्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं. तो एक कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब ये हवा के द्वारा भी क्या होता है, फैलता है. इसीलिए जो टीबी का पेशेंट है उसको अलग रखा जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहता है तो आसपास के लोगों को भी वो वहाँ से मतलब प्रभावित कर सकता है. इसीलिए और खासकर जो प्रभावित होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं, या जो ऑलरेडी थोड़े सिक है जिनकी इम्यूनिटी कम है वो जल्दी से प्रभावित होंगे. अभी तक 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल इससे मर रहे हैं. तो अगर ट्यूबरक्लोसिस देखिए, या अगर आपसे पूछा जाए क्या सिर्फ ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, नहीं, ट्यूबरक्लोसिस की अलग अलग फॉर्म है, लेकिन जो मेन फॉर्म है इसकी वो लंग्स के लिए ही है. अगर ये रोका नहीं जाता तो ये बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स है उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो लंग्स में जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो क्या उसके आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बुरी तरीके से खांसी होगी, और अगर दो वीक से वो ज़्यादा है विद कफिंग है तो, या विद ब्लड है, तो ऑब्वियसली ये सिम्टम्स है टीबी के. पेन होगा आपकी चेस्ट में, आप वीकनेस फील करोगे, वेट लॉस होगा, ओके फीवर आएगा, और रात के टाइम पे आपको स्वेटिंग होगी. तो ये सारे ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हैं. मेनली देखिए ये किनको होता है फ्रेंड्स, मेनली जो हमारी लेबर क्लास है वो लोग क्या करते हैं, लाइक जैसे पत्थर है उनको घिस रहे हैं या कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो सारी डस्ट है उनके लंग्स में जाते हैं, लंग्स की कैपेसिटी वहाँ पर कम होती जाती है. तो आपके घर पर जो भी लेबर आते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग, उनको ऐसे मास्क प्रोवाइड किया जाए ताकि वो हमारे घर से बीमारी नहीं संपत्ति लेके जाए. सो अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो जो रिपोर्ट आई थी देखिए 2010 की, जो अभी लास्ट रिपोर्ट आई थी, तो इसमें देखें तो इंडिया टॉप पे चल रहा था. इंडिया के सबसे ज़्यादा पेशेंट थे
टीबी के, उसके बाद चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके सबसे लास्ट में देखोगे आप अफगानिस्तान सबसे पीछे था, पाकिस्तान यहाँ पर फोर्थ रैंक पे आता है। तो मेनली जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो चार तरीके के बैक्टीरिया से होता है। फर्स्ट जो सबसे ज्यादा मेन बैक्टीरिया रहता है जिससे लंग्स की टीबी होती है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसे। सेकेंड है माइकोबैक्टीरियम बोविस, इसे एम बोविस बोलते हैं। फिर है माइकोबैक्टीरियम एफ्रीकेनम, इसे एम एफ्रीकेनम बोलते हैं। फिर है माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोटी, इसे एम माइक्रोटी बोलते हैं, राइट। तो मेनली सबसे ज्यादा इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी काफी सारी फॉर्म इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मेनली है एम ट्यूबरक्लोसिस। सो द मेजोरिटी ऑफ टीबी केसेस आर कॉज्ड बाय एम ट्यूबरक्लोसिस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑल फोर बैक्टीरिया। सो इंडिया का रुख देखते हैं, इंडिया की तरफ हम बात करते हैं, तो टोटल टीबी पेशेंट है अभी 2.2 मिलियन टीबी पेशेंट्स है। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट 88% चल रहा है। पहले देखें अगर हम बात करें पिछले 90 वाले एरा की, तो वहाँ पर ये केसेस काफ़ी भयानक देखने को मिल रहे थे और कोई सॉल्यूशन नहीं था। लोग ये इस बीमारी की सबसे बुरी बात यह है कि स्टार्टिंग स्टेज में लोगों को पता नहीं चलता है, लोग सिंपली इसको कफ समझ के, सर्दी समझ के इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, पहले अवेयरनेस भी नहीं थी कि 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको चेक करवाना चाहिए, तो अब तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है हमारा अनडिटेक्टेड। लेकिन जो टीबी पेरेंट्स रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ये 9,30,000 तक ऐसे पेमेंट है जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, जो लास्ट स्टेज तक पहुंच पाते हैं लेकिन उनका पता ही नहीं चल पाता है। और पेशेंट विद एमडीआर टीबी है 63,000। एमडीआर टीबी क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये फ्रेंड वो स्टेज आ जाती है जहां पर दवाइयां भी काम करना छोड़ जाते हैं, मतलब ये इसके जो बैक्टीरिया है इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, सारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वहां पर आपकी जो मेडिसिन है नॉर्मल मेडिसिन वहां पर काम नहीं करेगी। एक मेडिसिन कौन सी है इसके लिए, डॉट्स। सो इंडिया में अगर हम बात करें तो नॉर्थ रीजन में सबसे ज्यादा इसके केसेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद वेस्ट रीजन आएगा, उसमें 80% केसेस, फिर आपका ईस्ट और साउथ रीजन है उसमें 75% आपके केसेस देखने को मिलेंगे। सो आइए देखते हैं एडिटोरियल क्या आया है। एडिटोरियल ने ये बोला है कि एक अच्छी न्यूज इसमें शो की है कि जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस हैं वो इन कंपैरिजन ऑफ 2015-2016 में काफी कम हो गए हैं, सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। सो अगर हम 2015 का डाटा देखें तो दैट इज 2.84 मिलियन न्यू केसेस थे और अब की बार 2.7 मिलियन केसेस हैं। और ये रिपोर्ट किसकी आती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है 2017 की। उन्होंने बताया कि हाँ आप इंडिया है काफ़ी अच्छी तर्ज पे इसको चल रहा है। देखिए इंडिया का जो टारगेट है वो रहा है कि 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री करना है, जैसे हमने पोलियो फ्री किया है ऐसे ही टीबी फ्री हमें इंडिया को करना है, तो ये हमारे टारगेट रहे हैं। अगर मॉर्टेलिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी कम हो गया है, ये 0.51 मिलियन था 2015 में, नाउ इट्स 0.43 मिलियन इन 2016। तो ये सारा फैक्चुअल डाटा है, बोला गया कि 4-5% काफ़ी डिक्रीज हो रहा है, और हर साल कम से कम अगर हम अभी जो है 2% भी डिक्रीज कर रहे हैं तो इट्स गुड फॉर आवर सोसाइटी। तो इंडिया को तो हमने देखा डाटा की सबसे ज़्यादा था, ग्लोबली ये 23% केसेस हर साल इसके देखने को मिल रहे थे और 26% इसके मोर्टेलिटी रेट देखने को मिल रहे थे, कि इतने लोगों को तो हम बचा ही नहीं पा रहे। बट ये काफ़ी अच्छा हमारी रिपोर्ट अब की बार आई है कि हमने इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है। सो ये था हमारा पूरा आर्टिकल ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। कोई भी अगर इससे रिलेटेड बात समझ नहीं आई है तो डू कमेंट बिलो द वीडियो, आई विल सॉर्ट आउट यूर ऑल क्वेरीज। तो आइए नेक्स्ट एडिटोरियल जो आया है, ये सिंपल एक न्यूज़ है। ये किस बारे में आया है, हैरेशमेंट के बारे में आया है। आजकल सोशल मीडिया पे देखोगे आप तो बच्चा हो बुजुर्ग हो हर कोई हैरेशमेंट के केसेस को वहाँ पे उठा रहा है। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा यहाँ पे कौन बोल रहा है, ऐसा ये मिसेस वीना है ये बोल रही हैं जो यहाँ पर राइटर है। उन्होंने कहा यहाँ पर कोर्ट को ज़रूरत है कि वो जो हरासमेंट का एरिया है उसको डिटरमाइन करे, बताए कि क्या हरासमेंट होता क्या है। क्योंकि अभी देखिए आप केसेस यहाँ पे बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में एक फिल्म मेकर है, ओके, शर्मीन
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सिस्टर के बिहाफ पे कंप्लेंट किया कि मेरी सिस्टर जिस डॉक्टर को दिखाने गई थी उन्होंने उसको फेसबुक पे क्या भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दी। तो ये देखिए हरासमेंट हो रहा है किस तरीके से। तो यहाँ पर लेवल चेक करने की बात है कि क्या लेवल है, क्या एरिया है हरासमेंट का, किन केसेस को आप हरासमेंट के केसेस के अंडर ट्रीट करोगे, और यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी अनइक्वलिटी क्यों आती है, क्योंकि देखिए बॉयज़ हैं तो उनके केसेस को मेनली यहाँ पे क्या है ट्रीट नहीं किया जाता, और बॉयज़ जनरली अपनी प्रॉब्लम लेके भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे यही बात है, और कंक्लूजन तो सबसे बेस्ट ये है कि जो मेन प्रॉब्लम है, अगर आपने सत्यमेव जयते देखा होगा फ्रेंड्स, तो उसमें ये डाटा निकल के आया था कि हर एक अगर 5 बच्चे हम देख रहे हैं इंडिया में, तो उसमें 5 में से 3 बच्चों के साथ क्या हो चुका है, बाल शोषण हो चुका है उनके पास, ये जो हरकतें हुई हैं उनके साथ, क्योंकि चाइल्डहुड एज में उनको पता ही नहीं होता कि ये जो गलत हरकतें हमारे साथ हो रही हैं वो ठीक हैं, वो क्या हैं, ना वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेनली रिलेटिव्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते थे। तो ये बात है कि अवेयर करने की ज़रूरत है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, नहीं तो आज के टाइम में देखें सोशल मीडिया पर सीधा हैशटैग मीटू करके आप नेम आउट कर रहे हो अलग अलग पर्सनैलिटी को विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, अभी उनका कोई डिसीजन नहीं आया उन पे, तो इस तरीके से हर एक पर्सन की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। सो नेक्स्ट ये जो हमारा आर्टिकल आया इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए एक रिविज़न, ये किस पे आया है, ये हमारा आया जो रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट ने किया था पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, कितना किया था ये 2.1 लाख करोड़ का क्या किया था यहाँ पे, मनी को इन्फ्यूज्ड किया गया था कि बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ट्विन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। ट्विन बैलेंस शीट दो तरीके की बैलेंस शीट की प्रॉब्लम, क्या तो दो पार्टी इन्वॉल्व होंगी, कौन सी वो दो पार्टी थी, कॉरपोरेट वर्ल्ड एंड बैंकिंग वर्ल्ड। तो कंपनियां क्या करती है, कंपनियों को अपना काम चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मनी 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 के लिए वो किसको अप्रोच करेंगी, बैंक बैंक बैंक। तो बैंक से जब वो पैसा लेंगी तो क्या करेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पर जो आएंगे लोग वो क्या करेंगे कि पैसा लेके भाग जाएंगे। अब ये बैंक ने तो पैसा दे दिया, ठीक है बैंक ने पैसा दिया कि उसको इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, लेकिन ना तो इंटरेस्ट मिला ना यहाँ पर उनका लोन वापस मिला, तो यहाँ पर बैंक के लिए क्या बढ़ गई है प्रॉब्लम। सेकेंड यहाँ पर भी प्रॉब्लम कैसे बढ़ गई, ये क्या करते हैं ये फेक डाटा अपना शो करेंगे, क्योंकि अगर ये अपने आप को ट्रू पिक्चर शो करेंगे नुकसान में शो करेंगे तो ऑब्वियसली इनको लोन कैसे मिलेगा। तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है यहां पर, एनपीए यहां से बढ़ रहे हैं और यहां से लॉस हमारी इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक जो खतरे की कगार पर आए हुए हैं, खुद से नेचुरल मनी फ्लो नहीं ला पाए। मनी फ्लो नेचुरल होता है कि जो पैसा आपने दिया अगर वो वापस आ गया तो वो सिस्टम ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इन्फ्यूजमेंट हुआ है, आर्टिफिशियल तरीके से पैसे को बैंक के अंदर लाया गया है। क्यों, ताकि देखिए जो पिछले 10,000 लाख करोड़ के जो एनपीए थे उनको तो क्या किया गया, उनको राइट ऑफ किया गया कि इनको भूल जाओ, ये मनी लेके इनको अब ख़त्म किया जाए और नई तरह से चीज़ों को शुरू किया जाए, लेकिन दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन अभी जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, हमारी जो ग्रोथ रेट कम चल रही है, उसको बूस्टअप करने के लिए ये स्टेप जरूरी थे, ये इस आर्टिकल में कहा गया है। कल से फ्रेंड हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सैटरडे से, कल सिर्फ एक रफली उसका हम व्यू लेंगे, एस्से राइटिंग कंपटीशन हम स्टार्ट करें, ताकि जो बैंक पीओ के लिए है या जो भी आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो। तो कल तो एक रफली चेक होगा, हम चीज़ों को शेयर करेंगे, आपको मिनिमम 100 वर्ड्स में उस पर लिखना है, कल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मेनली जो इस वीक के सबसे हाइलाइटेड टॉपिक हैं उस पर वो ऐसे लिखा जाएगा। तो आई होप इससे आप सबको हेल्प मिलेगी। सो आइए देखते हैं आज का हमारा ज्योग्राफी का प्रोटीन बूस्टर। हम चल रहे थे आजकल कहाँ का विजिट कर रहे हैं, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का विजिट कर रहे हैं, आज हम जाएंगे साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में। ये वाले फ्रेंड्स, ये वाला जो पूरा है ये कैरिबियन कंट्रीज है, यहाँ पर देखिए कैरिबियन सी आता है इधर, तो कैरिबियन वाला एरिया है यहाँ पर। तो वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस, इसकी कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी कैराकस है, इसकी करेंसी इसकी है वेनेजुएला बॉलीवर,
करेंसी है इसकी वेनेजुएलन बॉलीवर, प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो इसके हैं। मेनली यहाँ पर देखिए जो वेनेजुएला की इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, क्योंकि ऑयल के यहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज है, काफ़ी टॉप कंट्रीज़ में आता है वेनेजुएला ऑयल एक्सपोर्ट करने के उसमें। तो इन्होंने क्या कर लिया था, जब यहाँ पर देखे काफ़ी सारे यहाँ पर सोर्सेज मिले ऑयल के, तो इन लोगों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एकदम इनकी इकोनॉमी में बूम आ गया था, क्योंकि ब्लैक गोल्ड बोलते हैं हम पेट्रोलियम को, वो ऑब्वियसली इतना महंगा होता है, तो ऑब्वियसली इनको काफ़ी सारी मनी बाहर के वर्ल्ड से मिलना स्टार्ट हो गई। लेकिन इनकी मेन गलती रही कि इन्होंने एक कमोडिटी पर अपनी पूरी इकोनॉमी को डिपेंड कर लिया, दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं रखा। इसीलिए आपको पता है प्राइस तो जाते हैं कम होते हैं और दूसरी भी कंट्री अपने सोर्सेज ढूंढती रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से। इसीलिए जो प्रेसिडेंट थे वो कह रहे थे कि मैं लोगों की उम्मीदें पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो रिज़ाइन करने की बात कर रहे थे। तो ये वेनेजुएला की मेन मिस्टेक रही। लेकिन टूरिज्म के उससे देखें तो बहुत सुंदर कंट्री है ये, आपको विजिट करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसकी बाउंड्रीज देखते हैं किस किस के साथ शेयर होती है। बाउंड्रीज है इसकी गुआना के साथ शेयर होती है, ब्राज़ील के साथ शेयर होगी यहाँ पर, और यहाँ पर कोलंबिया के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होगी। इधर यहाँ पर कैरेबियन सी आएगा और इस साइड में पूरा नॉर्थ अटलांटिक सी यहाँ पर कवर करेगा इसके कोस्टल एरिया को। मेनली एक रिवर जो यहाँ पर आती है यहाँ से जाएगी, गुआना हाईलैंड से होते हुए यहाँ ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक सी में वो रिवर जाएगी, दैट इज ओरिनोको रिवर। बहुत फेमस रिवर है ओरिनोको रिवर, वो वेनेजुएला में पूरी यहाँ की लैंड को फर्टाइल करती है। वेनेजुएला के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ट्रॉपिक से ज़्यादा है, एक्वाडोर इधर से आएगा तो मिला जुला क्लाइमेट यहाँ पर रहेगा। ये जो क्लाइमेट है ह्यूमिड भी होगा और यहाँ पर कोस्टल वाले एरिया पर काफ़ी सूदिंग भी होगा, डिपेंड करता है आपकी एलिवेशन पे, आप कि कौन सी जगह की एलिवेशन कितनी है, यहाँ पर टोपोग्राफी कहाँ है, उसका एटमॉस्फेयर क्लाइमेट वेनेजुएला में उस तरीके का है। वेनेजुएला में फ्रेंड्स वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, जिसकी ऊंचाई हम बात करें तो 979 मीटर उसकी ऊंचाई है। सो दैट इज ऑल अबाउट वेनेजुएला। आइए आते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में। पॉलिटी में हमारे चल रहे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट कौन से आता है ये हमारा, पार्ट आता है 4 में, पार्ट 3 में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो आज आर्टिकल 50 हम डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल 49 कल डिस्कस किया, 48 डिस्कस किया, नाउ आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या करता है, 50-50 ही ये करेगा, इससे ध्यान रखे कि सेपरेशन करेगा ये, सेपरेशन ऑफ किसका, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मतलब जो स्टेट है, स्टेट का जो पूरा मतलब था आर्टिकल 12 में भी दिया है, हमारा आर्टिकल 36 में भी दिया है कि इसमें कौन कौन सी लोकल बॉडीज भी आती है, सेंटर भी आता है, स्टेट भी आता है। तो यहां पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को अलग करने की बात की गई है पब्लिक सर्विसेज के लिए, दैट इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 51, क्योंकि इसके बाद हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे क्या आते हैं, DPSP, तो हमारे DPSP ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनको कवर किए बिना हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। सो आर्टिकल 51 क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आपको इसका बेनिफिट बताऊंगी। द शैल्स स्टेट शैल एंड्योर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। स्टेट क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाने के लिए कदम उठा सकती है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेशन। तो ये हमारा पूरा इसमें आर्टिकल 51 में दिया गया। आर्टिकल 51 आएगा हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का, यहाँ पे यही बात की गई है कि पीस को प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए स्टेट एक्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, आगे आएगी हम इमरजेंसी के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर स्टेट अपना कदम उठा सकती है, वहाँ पर हवाला दे सकते हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने का। इसीलिए स्टेट में क्या कर सकती है, इमरजेंसी की सिचुएशन लगा सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है इस बेसिस पे।
तो कल हमारी जो वकैब थी, आई नो कि आप तो रिवाइज नहीं करोगे, इसलिए मैं उसको रिवाइज करूंगी, क्योंकि रिवाइज के बिना कोई फायदा नहीं है इसका. ओके, तो फर्स्ट था हमारा डिपोजिशन. डिपोजिशन का मतलब था निक्षेप, मतलब कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है. फिर है कंड्यूसिव. कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, लाइक फेवरेबल है, बेनिफिशियल है. फिर है इंटीमिडेट. इंटीमिडेट का मतलब होता है धमकाना किसी चीज़ को, फ्राइटन करना, थ्रेटन करना, ब्रोबीट करना. फिर है डेटर. डेटर का मतलब रोक देना. देन डिपोज. डिपोज का मतलब होता है निकाल देना, स्वीयर करना, प्रोफेस करना. फिर है वल्नरेबल. वल्नरेबल का मतलब होता है अनसेफ, अनगार्डेड, अनप्रोटेक्टेड या चपेट में लेना. फिर है प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग का मतलब होता है हैपनिंग या कोई कार्रवाई करना. ओके, फिर है एमिकस क्यूरे. एमिकस क्यूरे हमने बताया था, फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट, न्याय मित्र. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइज, एंड हैव ए नाइस डे अहेड. बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे.